मूवी सही थी भाई? क्या हो गया भाई, मूवी पसंद नहीं आई? मुंह क्यों फुला रखा है? बहुत देशभक्ति उमड़ रही तुम्हारी अंदर मूवी में। अजान हो रही है यार। वाह रे आजमिया, बहुत ख्याल है तुम्हें अजान का। कभी तुम ऐसे अजान पे खड़े हुए हो जैसे राष्ट्रगान पे खड़े हो गए थे? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे भी वहाँ खड़ा होना पड़ा। सब लोग मुझे देख रहे थे। अल्लाह अकबर, तुमने ये क्या देशभक्ति का नाटक लगा रखा है? इन लोगों ने कभी भी हमको अपने ऐसा माना है? हर बात पे हमें हिंदुस्तान छोड़ने की और पाकिस्तान चले जाने की बात करते हैं ये लोग। और इनके लिए सब जायज है। अगर ये किसी जानवर के नाम पर हमारा खून बहाएं तो ये देशभक्ति है, और हम किसी जानवर को कुर्बान करें तो आतंकवाद है। और एक मुसलमान के लिए यहाँ पर नौकरी करना तक मुश्किल है, और हमें सरकारी नौकरी तो मिलती भी नहीं है। और खुदा ना खास्ता वो नौकरी मिल जाए तो मजहब की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। और इन सब के बावजूद तुम वहां पे उस राष्ट्रगान पे कैसे खड़े हो सकते हो यार? कैसे मुसलमान हो तुम? अब मैं बोलूं? एक एक करके मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं। आबिद भाई, अजान में कहीं भी ये हुक्म नहीं है कि आपको अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना। हुक्म है तो अजान को खामोशी से सुनने और उसे दोहराने का, जो मैं कर रहा था। भाई मैं देशभक्ति का नाटक नहीं करता। ये देश मेरा है, मैं इसे अपना मानता हूँ। किसी के कहने से ये देश पराया नहीं हो जाएगा। कल को आपके पड़ोसी गुप्ता जी आपसे कहें घर छोड़ के चले जाओ, जाएंगे? एक बजा के दूंगा उसके कान के नीचे में। वही, फिर मैं किसी ऐरे गैरे के कहने पे अपना देश कैसे छोड़ सकता हूँ? अब बात आती है मजहब के नाम पे खून बहाने की। तो जिस इस्लाम को मैंने पढ़ा या समझा है, वो कहता है कि अगर आपने किसी भी एक बेकसूर का खून बहा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। पढ़िएगा भाई हदीस और कुरान। अब आता हूँ मैं नौकरी वाले पॉइंट पे। तो भाई मेरे अब्बू जो हैं, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की, बड़ी इज्जत की जॉब की है। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। और यहाँ भी हर जुमे मुझे एक घंटे की मोहलत दी जाती है कि मैं जाके नमाज पढ़ के आ सकता हूँ। और इस बीच में अगर मेरा कोई काम आ जाता है तो मेरा एक हिंदू दोस्त मेरा वो काम करता है। रमज़ान में मुझे दूसरों से कम काम दिया जाता है और दूसरों से जल्दी घर भी जाने दिया जाता है। अब आता हूँ मैं आपके आखिरी सवाल पे कि किस तरह का मुसलमान हूँ मैं। तो भाई मैं इसका जवाब बहुत फख्र से देता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ।